राहुल गांधी का मोदी सरकार पर हमला, कहा बीजेपी नहीं समझती कि ये देश सबका, आरएसएस पर भी निशाना साधा। कानपुर में कालिंदी एक्सप्रेस को उड़ाने की साजिश, पटरी पर रखे एलपीजी सिलेंडर से टकरा गई ट्रेन, अज्ञात व्यक्ति के खिलाफ केस दर्ज, जांच पे अब एनआईए की भी एंट्री हो चुकी है। कानपुर पुलिस ने अब तक 10 संदिग्धों को हिरासत में लिया, 3 हिस्ट्री शीटर्स भी निशाने पर आए हैं। कानपुर ट्रेन उड़ाने की साजिश मामले में मिठाई के दुकानदार से पूछताछ, सीसीटीवी डीवीआर ले गई पुलिस की टीम, पटरी पर सिलेंडर और मिठाई के डब्बे में पेट्रोल और बारूद। जम्मू कश्मीर के नौशेरा में एनकाउंटर, 2 आतंकवादी मारे गए, 8 हैंड ग्रेनेड, 1 M4 राइफल, 2 AK-47 बरामद हुई। पुंछ में संदिग्ध हलचल के बाद हो गई गोलीबारी, सुरक्षा बलों ने कई राउंड फायरिंग की, किसी के जख्मी होने की जानकारी नहीं। बांग्लादेशी घुसपैठ पर असम के सीएम हेमंत बिस्व शर्मा का बयान, बोले असम में घुसपैठ की समस्या बढ़ी, कई बांग्लादेशी नागरिकों को पकड़ा वापस भेजा। असम के सोनापुर में अतिक्रमण के खिलाफ बुलडोजर एक्शन, कुल 216 बीघे जमीन को कराया गया मुक्त। वक्फ संशोधन बिल पर मुसलमानों को भड़काने की कोशिश में भगौड़ा जाकिर नायक, मुसलमानों से बिल पारित होने से रोकने का किया आह्वान, पोस्ट करके लिखा 50 लाख लोग भी करेंगे विरोध तो बिल हो जाएगा वापस। शिमला में संजौली मस्जिद पर घमासान जारी, हिंदू संगठनों ने किया प्रदर्शन का ऐलान, अवैध मस्जिद को गिराने की मांग उठ रही है, 11 सितंबर को करेंगे आंदोलन। कोलकाता केस पर सी ममता बनर्जी का बयान आया सामने, का संजय रॉय नहीं संजय राय, बिहार का रहने वाला, वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। पुणे में आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत का बयान आया सामने, का हिंदू सब विविधताओं को स्वीकार करने वाला विशेषण है, धर्म सिर्फ पूजा पाठ नहीं है, यह सत्य करुणा समर्पण को दर्शाता है। बहराइच के गांव में भेड़ियों की दहशत, डर से पलायन कर रहे लोग, कई मकानों पर लगा ताला। बहराइच में भेड़ियों के साथ बंदरों के आतंक से ग्रामीण परेशान, डीएम से लगाई बचाने की गुहार, बंदरों ने कई ग्रामीणों पर अटैक किया, घरों में रहने को मजबूर हुए लोग। यूपी के हरदोई में सियार ने लोगों को किया जख्मी, भेड़िया समझकर ग्रामीणों ने पीट पीट कर उतारा मौत की घात, जख्मी लोगों का इलाज जारी। मेरठ के खेतों में दिखा तेंदुए का परिवार, दहशत में गांव के लोग, वीडियो वायरल हुआ। मध्य प्रदेश के सीहोर में सीआर ने किया 6 लोगों पर अटैक, सभी लोग गंभीर तौर पर घायल हुए, इलाज जारी, सीआर के हमले से दहशत में ग्रामीण। बिहार के मुजफ्फरपुर में नहीं थम पा रहा गीदड़ों का कहर, कई लोगों को कर चुका है अपना निशाना बना चुका है दहशत में ग्रामीण, वन विभाग की टीम रेस्क्यू में लगी हुई है। बिहार के मुजफ्फरपुर में बागमती नदी के किनारे दिखा मगरमच्छ, इलाके में हड़कंप मच गया, नदी किनारे लगी लोगों की भीड़। इस बीच एएनआरएफ गवर्निंग बोर्ड की पहली मीटिंग आज, प्रधानमंत्री मोदी करेंगे इसकी अध्यक्षता, सुबह 11 बजे बैठक होगी। हरियाणा में कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के बीच गठबंधन नहीं हो पाया, आप ने पहली सूची में 20 उम्मीदवारों का ऐलान किया, कहा राज्य की सभी 90 सीट पर हम लड़ेंगे चुनाव। हरियाणा के सीएम नायब सैनी आज दाखिल करेंगे अपना नामांकन, सुबह 9 बजे लाजवा से भरेंगे पर्चा, कांग्रेस के उम्मीदवार मेवा सिंह से टक्कर है। जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस ने जारी की सूची, 19 उम्मीदवारों के नाम का किया ऐलान, सोपोर से हाजी अब्दुल राशिद, वागुरा से इरफान हफीज, दोनों को टिकट। कांग्रेस को संसद की 4 स्थायी समितियों की मिल सकती है अध्यक्षता, सूत्रों के अनुसार डीएमके और टीएमसी को भी मिल सकती एक एक समिति की अध्यक्षता। अरुणाचल में चीनी घुसपैठ की खबरों पर केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू का जवाब, कहा सिर्फ निशाना बना देने से जमीन चीन की नहीं हो जाती, अपनी जमीन पर किसी को कब्जा नहीं करने देंगे। आज बिहार कैबिनेट की है बैठक, शाम 4 बजे से मीटिंग की शुरुआत, कई बड़े फैसलों के लिए जाने की संभावना। तेजस्वी यादव की सीएम नीतीश को दो टूक, कहा 2-3 बार कल्याण कर दिया, अब सवाल ही पैदा नहीं होता साथ लेने का। छत्तीसगढ़ के राजनांदगांव में खेल मैदान में गणेश स्थापना को लेकर हुआ विवाद, स्थानीय लोगों ने किया हंगामा, कहा खेल नहीं बल्कि दूसरी गतिविधियां हो रही हैं। सूरत में गणपति के पंडाल पर पत्थरबाजी करने वालों पर बड़ी कार्रवाई, जहां से चले थे पत्थर वहां पर चला बुलडोजर, अपनी रेहड़ी खुद ही हटाते नजर आए लोग। 3 तलाक कानून को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर आज सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करेगा, कई मुस्लिम संगठनों ने सुप्रीम कोर्ट में कानून को चैलेंज किया। यूपी के पीलीभीत में बजरंग दल के प्रदेश अध्यक्ष विवेक मिश्रा का वीडियो हुआ वायरल, लोगों को मुसलमानों के बहिष्कार की शपथ दिलवाई। आंध्र प्रदेश में भारी बरसात की चेतावनी, मौसम विभाग ने जारी किया रेड अलर्ट, लोगों के सतर्क रहने की अपील। ओडिशा के 10 जिलों में भी मौसम विभाग ने जारी किया रेड अलर्ट, 11 सितंबर तक मछुआरों को समुद्र से दूर रहने की अपील हुई है। मौसम विभाग ने एमपी छत्तीसगढ़ में जारी किया ऑरेंज अलर्ट, तेलंगाना पश्चिम बंगाल में भारी बरसात की चेतावनी।
छत्तीसगढ़ के सुकमा में भारी बरसात से हाहाकार, उफान पर शबरी नदी, NH-30 पर आया बाढ़ का पानी, सड़कों पर सैलाब। केदारनाथ मार्ग पर लैंडस्लाइड हादसे में श्रद्धालु की मौत, पहाड़ों से बड़े बड़े पत्थर गिरने से 3 लोग घायल, एसटीआरएफ कर रही रेस्क्यू ऑपरेशन। बिहार के किशनगंज में आरजेडी विधायक इजहार असवी का वीडियो वायरल, शिक्षक को धमकी देने का एक वीडियो बेटी ने वायरल कर दिया। राजस्थान से खबर, जहां के बीकानेर में भारत और अमेरिका के बीच युद्धाभ्यास जारी, 22 सितंबर तक चलने वाला अभ्यास, 600 से ज्यादा सैनिक शामिल, एशिया के सबसे बड़े महाजन के फील्ड फायरिंग रेंज में एक्सरसाइज। यूपी के कुशीनगर में तमिलनाडु डांसर्स को किया अगवा, विरोध करने पर की फायरिंग, पुलिस ने बीजेपी के बेटे समेत बाकी आरोपियों को किया गिरफ्तार। एमपी के मैहर में बुजुर्ग किसान से अज्ञात बदमाशों ने लूटपाट की, बैंक से रुपए निकालकर जा रहे थे बुजुर्ग, जांच जारी। पाकिस्तान में पीटीआई ने शहबाज सरकार को अल्टीमेटम दिया, 300 घंटों में इमरान खान की रिहाई की मांग करते हैं, अगर नहीं की रिहाई तो हम हमला बोल सकते हैं। इमरान खान की पार्टी पीटीआई के अध्यक्ष गौहर खान गिरफ्तार हुए, संसद के बाहर से पीटीआई के कई नेताओं को अरेस्ट किया गया। पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा में सेना के खिलाफ पुलिस ने खोला मोर्चा, पुलिस पर बढ़ते हमलों को लेकर विरोध इलाके में तनावपूर्ण माहौल। इस वाली सेना ने मध्य सीरिया में किया भीषण अटैक, स्ट्राइक में 18 लोगों की मौत, 12 से ज्यादा लोग हुए घायल।